नाम बदलना भी मसला है क्या? नामों तो ये सरकार में आ ही नहीं रहे, इनके कुछ आसन से जनता तक। कौन आ रहा है सरकार में? हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बनेगी आदरणीय प्रियंका गांधी जी बनेंगी। और मैं कह रहा हूँ कि विकास दुबे की पत्नी अभी तक छूटी नहीं जेल से, जो टेनी अजय टेनी का बेटा जो किसानों को रौंदा है वो कैसे छूट गया जेल से, ये जवाब दे। अजय मिश्रा टेनी का बेटा कैसे छूटा जेल से, ये भाजपा के लोग जवाब दे। और विकास दुबे की पत्नी आज भी जेल में है। ठीक है, अगर आप लोग इजाजत दीजिए तो कुछ आप लोग सब, अब देखिए आप लोग बात कर चुके हैं, जो नहीं किए वो कर लेना। क्या मुद्दा भैया? दुर्गा यादव जो कहते हैं ये आज ये आवा पट्टी मुद्रा पूर्वान चौबा कोठरा हमारा अंगना है, अतीक अहमद सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ अखिलेश यादव का, वो पक्का हारेंगे यहाँ से। वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, एक कागज। कौन झूठ बोल रहा है? कहते हैं कागज पे विकास क्या हो रहा है, बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी पे क्या हो रहा है, सपा वाले घी दे रहे हैं। और का जिस मनरेगा का प्रधानमंत्री पुरजोर विरोध किया करते थे, उस मनरेगा को ही जॉब क्रिएशन का कारण बताया, ये कौन सी बेशर्मी है। और इसमें ये 2009 में आई हुई मनरेगा थी, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी और बहुजन समाजवादी की भी सत्ता रही है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। और ये भाजपा वाले बताएं ये मनरेगा कैसे जॉब क्रिएशन मुद्दा पूछेंगे पूछेंगे। हाँ बताइए, आप कई बार बोल चुके हैं, और लोग जो नहीं बोले उनको बोलने दीजिए। माइक में देखिए, हाथ मत लगाइए। बहुजन सदर बिहार है, बहुजन समाज, बहुजन समाज पार्टी इतिहास में जा रहा है, बैंक की सरकार बनाने माननीय सुशील सिंह जीतने जा रहा है भारी मतों से, बहुजन समाज सरकार 40 साल सदर बदहाल, अब की बार बीएसपी सरकार। ठीक है भाई, अब की बार बीएसपी सरकार, सुशील भैया जिंदाबाद। और बीएसपी सरकार, अरे कुछ मुद्दे भी बताइए की सरकार है अपने प्रति, अपनी सरकार, अब की बार बीएसपी सरकार। ठीक है, हम सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस आई के हैं, इन लोगों के प्रत्याशी जवाब देने के लिए क्यों नहीं आए, सबसे पहले इनसे पूछना चाह, क्योंकि ये लोगों ने ठेकेदारी या घोटाला करने का काम किया, जनता के आगे सवाल पूछे इनसे कि भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी यहाँ क्यों आने का काम नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए मैं सवाल पूछूंगा लेकिन आपसे पूछूंगा कि कार्यकर्ता बात क्यों नहीं मानते आप लोगों की? कार्यकर्ता एकदम बात माने हैं, यहाँ भारतीय थोड़ा थोड़ा पीछे करवा दिए, पीछे वालों से बात कर लूँ, भारतीय जनता पार्टी इनकी मांग बाद में पूरी, मैं तो आपका मेहमान हूँ, मेरी भी एक बात मान लीजिए, पीछे करवा दीजिए। हम आपका सम्मान करते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी या सपा के लोग दंगा करने वाले हैं, पहले इनको शांत कराने का काम करिएगा। कितनी बार बोलेंगे आप, कितनी बार बोलेंगे आप, क्यों अराजकता करा रहे हैं आप, कितनी बार बोलेंगे आप? दुबे की पत्नी का जवाब तो लीजिए पहले। ठीक है चलिए ले लेते हैं, विकास दुबे और खुशी दुबे का मसला आ रहा है, कांग्रेस उठा रही है, कानून उस पर अपना काम कर रहा है, ये क्या, ये लोग क्या बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी, ये अपने घर को देखे, अपने को ये लोग देखें, ये लोग हमारी क्या बात करेंगे। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी 5 साल में आप बता दीजिए कि एक दिन आराम किए हों। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि सड़क कटान उच्च शिक्षा इस पे क्या बदलेंगे आप लोग? उच्च शिक्षा आज तक आजमगढ़ में, आजमगढ़ 2017 से पहले हम लोग कहीं जाते थे, मैं भी पहले पत्रकार था NDTV में, हम लोग जाते थे आजमगढ़ के नाम पे होटल नहीं मिलता था, इन लोगों ने ये माहौल दिया था। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे विश्वविद्यालय देके बहन बेटियों बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दी है, ये क्या बात करेंगे, इन लोगों ने यहाँ के बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम किया समाज, ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। और आरोप बहुत लग रहे हैं अहमदाबाद से लेकर आजमगढ़ तक, जो आतंकवाद की चीजें होती है बार बार क्यों घेर लेते हैं आप लोग को? ये देखिए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये नॉर्मल आदमी को आतंकवादी बना सकते हैं, पुलवामा का अटैक हुआ। अच्छा यहाँ छापे क्यों पड़ते हैं, कुछ है क्या यहाँ? मैं आपसे बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ का नाम इन लोगों ने बदनाम कर रखा, इसीलिए जनता इनकी जमानत जब्त कराती है,
और 10 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। 10 सीटों पे इनकी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ का इतिहास है, आज तक सुन लो, आज तक सिर्फ इनका एक विधायक बना, वो भी लालगंज से बना, नरेंद्र सिंह, और दूसरा अरुण कांत बना यादव, और इसके अलावा आज तक आजमगढ़ के आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हैं।